यूपीएससी रैंक वन आदित्य श्रीवास्तव के पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। सर, यूपीएससी का एग्जाम और पहली रैंक, शुभ दिन पर शुभ परिणाम, कैसा महसूस कर रहे? बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत खुशी है। जो हम लोगों ने सपना देखा था उसके लिए छोटे से उसको पूरा किया, मैंने बहुत खुशी है हम लोगों को। तो आईएएस बनने का सपना आपका था कि उनका? नहीं, हमारा तो भाई सपना तो उसका भी है, लेकिन हमने उसको प्रेरित किया था कि भाई लगा था कि वो कर ले जाएगा। शुरू से उसका पढ़ाई अच्छी थी, उसकी पढ़ाई तो लगा कि भाई देखो जॉब तो यही है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब कहीं को देश के लिए करना है या पावरफुल जॉब है तो यही। तो हमने उसको प्रेरित किया था छोटे से कि तुमको ये करना है, और लगता भी था उसकी पढ़ाई से कि ये कर सकता है, कर ले जाएगा। तो हमने उसी दिशा में उसको डालने की कोशिश की थी शुरू से पढ़ाई में, और पूरा किया उसने सब चीज को। आज रिजल्ट्स आने की बात हो रही थी, आपके आदित्य से क्या बातचीत हुई, उन्होंने किस तरह से बात? बस उतना ही हुआ कि जो है उस समय कि बोला बाबा जी रिजल्ट आ गया है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है ये। तो हमको लगा क्या हो गया, हमको लगा हम लोग ऐसा किए थे कि टॉप 50 में तो कम से कम आ ही जाएगा, ये उम्मीद था हम लोग को। बोला रैंक होने आ गया, तो हम लोग को विश्वास तो भाई विश्वास के लगा सपना तो नहीं देख रहे हैं कहीं। तो बोला कि रैंक वन आ गया, फिर उसके बाद फुर्सत नहीं मिला उसको, फिर वीडियो वीडियो डाल रहे हैं, देख रहे हैं एकेडमी में उसको ले लेके सब देखा, वीडियो देखा सेलिब्रेशन का। तो हम लोग बात उस टाइप का नहीं हो पाई है अभी उससे, शाम में बात करेंगे। रात तब से लगातार फोन बज रहे, फोन बज रहे हैं हम लोग के भी है, उसकी भी, उसका भी बिजी जा रहा था, उसके दोस्त लोग हैं सब एंजॉय कर रहे होंगे। तो अच्छा, किस तरह का शेड्यूल रहता था पढ़ाई में? आप कह रहे हैं हमेशा से इंटरेस्टेड रहते थे, तो उसका पूरा फोकस पढ़ाई पे देखिए था। वो जब जो रिजाइन करके आया है वो समझ आइए कि जो अपना रूटीन वर्क जो है, सुबह जैसे उठ गया अपना रूटीन वर्क किया, सिर्फ पढ़ाई, उसका पढ़ाई के अलावा कहीं कुछ फोकस था ही नहीं, कुछ नहीं। और थोड़ा वो क्रिकेट का शौकीन है, तो क्रिकेट खेलने तो मैंने हम लोगों ने सोचा थोड़ा कोई रखे कि भैया पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है, क्रिकेट खेलना नहीं, लेकिन मैच कोई छोड़ता नहीं था वो। IPL देखिए या कोई मैच हो रहा था मैच देखता था, क्रिकेट का शौकीन था वो, और गाना का शौकीन है। हाँ, गाना गाता है। तो अभी वो क्या कर रहे हैं? अभी IPS की ट्रेनिंग कर रहा है हैदराबाद में, IPS है अभी तो, अभी 5.5 महीने की ट्रेनिंग हो गई है उसकी, 22nd को आ रहा है वो, एक वीक का ब्रेक मिलता है उसमें वो आ रहा है अभी। तो अभी अब रिजल्ट आ गया, किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं? कुछ सेलिब्रेट आएगा तो सेलिब्रेट तभी होगा। कब आ रहे हैं? 22nd को आ रहा है, मंडे आ रहा है। अब यही कि बेटी नहीं रहेगी हमारी, बस यही है थोड़ा सा। आपके घर में और कौन कौन है? पापा मम्मी है हमारे, हम लोग दो लोग और दो बेटा बेटी, 6 लोग हैं, तो बेटी तो बाहर ही है। इससे पहले जो अटेम्प्ट रहे हैं उनका रिजल्ट किस तरह से रहा? पहली बार तो प्री में नहीं हुआ था उसका, क्योंकि वो समय भी नहीं था पढ़ाई का, उसको जॉब कर रहा था तो रिजाइन करने में लेट हुआ उसको, जो भी है तो उसमें तैयारी अच्छी नहीं हो पाई थी। और सेकंड राउंड में IPS हो गया, थर्ड में आपके सामने IAS हो गया। फर्स्ट रैंक का उनको एक आइडिया था जब एग्जाम देकर आए थे, उन्होंने क्या कहा? फर्स्ट रैंक का तो नहीं, लेकिन बोला था पापा जी उम्मीद है हो जाएगा, क्योंकि हमारे सारे पेपर जो है सारे पेपर में प्लस है मार्क्स में, हमको लग रहा है ऐसा, तो हमको लगा सारे पेपर में प्लस है। इंटरव्यू हमने पूछा तो उसमें बोला कि इंटरव्यू पिछली बार से ठीक ही लग रहा है, और इंटरव्यू हमारे उतने मार्क्स भी आ जाएंगे जितने पिछली बार आए थे, तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे IAS के लिए, यही कहा था। हमको उम्मीद था कि टॉप 50 में आ जाना चाहिए उसको, क्या कि 15-20 नंबर लगभग रहा था पिछली बार से, मैंने 20 नंबर के आसपास माइनस था उसका, तो हमको लगा उतना तो हो जाना चाहिए, तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि टॉप 50 में आ जाएगा। आप क्या करते हैं? हम CAG ऑडिट में है, ऑडिट डिपार्टमेंट में है। अच्छा, तैयारी के लिए क्या कभी कोई कोचिंग ज्वाइन करी या कोई ऑनलाइन कोर्स? किताबों से ही सारा कोचिंग सेल्फ स्टडी सब उसका था, उसे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर रखे थे लास्ट मोमेंट में, टेस्ट सीरीज जैसे रहता है ना प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसने वो लिया था, हमको लग रहा है विजन IAS का उसने टेस्ट सीरीज लिया था 25-30, तो वो प्री के पहले उसने प्रैक्टिस किया था, बस वही उसका। और लगभग कितने सालों से तैयारी कर रहा था? तैयारी तो देखिए बचपन से उसका था कि तैयारी करना है, तो फोकस उसका था ही, लेकिन तैयारी अगर पूरे मायने में मानिए था तो वो 21 के बाद जब रिजाइन करके आया है तब पूरा फोकस था, तैयारी किया है वो। तो अब आगे आप क्या चाहते हैं? IPS कंटिन्यू करें? नहीं, IAS वो इसी के लिए हम लोगों ने देखा है, वो भी चाहेगा कि IAS बने। अब 22 तारीख को वो आ रहे हैं, तो आप लोग क्या फैमिली गैदरिंग करेंगे, कुछ सेलिब्रेट करने? देखते हैं, अभी तो मौका नहीं मिला। मिठाई मंगा ली अभी? नहीं, मिठाई मंगाए आपको खिलाएंगे अभी। अच्छा, मिठाई मंगाए। ठीक है, ये हैं आदित्य श्रीवास्तव के फादर, जो कि कह रहे हैं कि बचपन से ही उनका सपना IAS बनने का था, और अब जब से ये रैंक अनाउंस हुई है फर्स्ट रैंक का सपना उन्होंने नहीं देखा था, लेकिन ये पता था कि रिजल्ट अच्छा होने वाला है, लेकिन फर्स्ट रैंक सुनने के बाद से ही खुशी की लहर है परिवार में। माता जी भी मौजूद है साथ में, अष्टमी का दिन है, शुभ परिणाम आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? माँ की बहुत बड़ी कृपा और उसकी मेहनत, बड़ों का आशीर्वाद, यही है। सर ने बताया कि बचपन से ही पढ़ाई पर फोकस थे, क्या पढ़ाई के अलावा क्या कुछ पसंद है उनको? वो तो आप क्रिकेट खेलना पसंद है उसको। हाँ। और डायनासोर में इंटरेस्ट है उसको। अच्छा। उसका ऑप्शनल नहीं, जैसे हॉबी के लिए जो बोलते हैं, तो इंटरव्यू में भी उसने डायनासोर का ही बताया था। अच्छा। तो बचपन से उनका यही सपना था कि मुझे IAS बनना है। हाँ, एकदम, क्योंकि उसके पापा ने उसके दिमाग में ये डाला,
मतलब 2 साल की उम्र से ही जब वो लाल बत्ती वाली गाड़ी देखता था मेरे मामा जी की, तो बोलता था कि मुझे भी इसमें घूमना है। तो ये बोलते थे उस तरह से पढ़ाई करो तब तुम भी घूमोगे, मतलब जैसे कि एक जगह स्थान पाने की बात थी। उसी को कड़ी मेहनत लगती है, घंटों की पढ़ाई लगती है। उनका शेड्यूल किस तरह से रहता था? बस पढ़ाई, सुबह जैसे चाय कॉफी पीने के बाद से पढ़ाई, फिर नाश्ता के समय आता, फिर पढ़ाई करता, फिर खाने के समय आता। टाइम से वो आता था खाना खाने, नाश्ता, और 11 बजे रात को वो सो जाता, फिर सुबह उठ के पढ़ाई। बस आप 12 से 14 घंटे आराम से उसकी पढ़ाई। आपकी बातचीत हुई, उन्होंने आपसे क्या कहा? बहुत ज्यादा खुशी, हम लोग तो मतलब दोनों कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, बस खाली मतलब लग रहा था कि बहुत बहुत बड़ा सपना साकार हुआ है। हाँ, रैंक 1 की तो उम्मीद किसी को नहीं रहती है। सब लोग मेहनत करते हैं कि हम IAS में आ जाए, बन जाए, लेकिन रैंक 1 की उम्मीद तो कोई नहीं कर पाता है। आज वो मिला है हम लोग को। अभी वो यहाँ होते तो सेलिब्रेशन तो, हाँ, वो हम लोग के लिए ज्यादा खुशी का दिन होता जब वो भी साथ में होता। बेटी भी बाहर है दिल्ली में, वो भी होती तो हम लोग ज्यादा एंजॉय कर पाते। कब आ रहे हैं, बातचीत हो गई? बेटा 22 तारीख को आएगा, इसी 22 को। बेटे को क्या बना के खिलाने वाली है? उसे जो पसंद है वो बनेगा। उसे मतलब उसको खाना तो बहुत पसंद है, अच्छा खाना, बस वही बनेगा जो उसको पसंद है। चलिए, बहुत बहुत बधाई मैम आपको। ये आदित्य श्रीवास्तव के पेरेंट्स हैं, UPSC रैंक 1 हासिल की है, लखनऊ के रहने वाले हैं, बचपन से ही IAS का सपना देखते थे और आज वो सपना पूरा हो रहा है। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ नित्य दीक्षित, न्यूज 18 लखनऊ।